और ये है खुशखबरी। तो ये मेरा भांजा है, माशाल्लाह से मेरी छोटी बहन का बेटा हुआ है और बड़े ही प्यारा है, माशाल्लाह से, माशाल्लाह पूरा कश्मीरी बच्चा ही है हमारा और रोना शुरू फिर से। तो ये आप सब भी दुआ कीजिएगा कि जल्द से जल्द सत्या हो जाए मेरी बहन भी और मेरा भांजा भी। और नाम भी सजेस्ट करें आप लोग, अभी तक नाम का चल रहा है सबको कि नाम क्या रखे ना? एम से रखना है, एम से रखना है जी, एम से। तो एम से क्या नाम रखे वो भी आप लोग बताइएगा। तो इसी बहाने हम ले लेते हैं थंबनेल, थंबनेल भी बड़ा जरूरी होता है। चलो ये हमारा मुन्ना हो गया टकला। तो रिफ्रेशमेंट आ गई है और माशाल्लाह से देखिए मिठाई भी है, निम्को वगैरह है और ये केक। केक किस किस का फेवरेट है पता नहीं। और नौफिल ने तो बैठते ही हमला कर दिया है, है नौफिल? हाँ देखिए कितना तकल्लुफ किया है मेरी बहन की सास ने और उनके हस्बैंड ने। देखो भाई एक और खुशखबरी आप लोगों को सुना दूं, अभी 4-5 दिन बाद मेरी बर्थडे है तो इसलिए हैप्पी बर्थडे गाओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे भाई, ये बर्थडे है। अरे हमारे मुन्ने की भी हो जाए तो हो गया, चौका हो गया, मेरी बर्थडे भी सेलिब्रेट। कोल्डिंग आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। तो सिस्टर के घर से मैं आ गई थी और फ्रेश होके मैंने चेंज वगैरह कर लिया था और थोड़ी सर में दर्द हो रहा था, पता नहीं क्यों, शायद वो मैं जल्दी सोती उठी थी और नींद पूरी नहीं हो रही आजकल, जिस वजह से मेरे सर में दर्द आजकल हो जाता है कि जब मैं टाइम से सोती नहीं। तो अभी बस मैं बैठी हूँ बच्चों के फॉर्म फिल्स करने के लिए, तो फॉर्म फिल्स कर रही हूँ क्योंकि फिर मुझे सुबह ही सबमिट करवाने हैं फाइनली, क्योंकि आज मैं गई थी तो उन्होंने थोड़े से डॉक्यूमेंट्स वगैरह मुझसे मंगवाए थे, तो जो फिर मैं लेके नहीं गई थी, मुझे याद भी नहीं रहा था, उन्होंने बताया था बट मैं भी भूल गई। तो अभी यही पे डॉक्यूमेंट्स जो है मैंने रेडी कर लिए हैं और बच्चे यहाँ पे सो रहे हैं, सोने की तैयारी में। मैंने उन्हें कहा कि सो जाओ, लेट हो गया काफ़ी क्योंकि आज सिस्टर की तरफ चली गई थी तो लेट हो गया था। तो बस अभी मैं बैठी हूँ फॉर्म फिल कर रही हूँ, तो मैंने कहा चले आप लोगों को बताऊँ मैं इसके फॉर्म फिल कर रही हूँ और पिक्चर्स वगैरह इनकी कलेक्ट कर ली है हमने, NIC की कॉपी, बर्थ सर्टिफिकेट की पिक्चर जो थी वो आपको पता है स्कूल में सबमिट होता है। बस तो तीनों के कॉन्फ्रेंस करूँगी, इन्हें रख के फिर मैं सो जाऊँगी, फिर सुबह उठ के मैं स्कूल जाके इन्हें सबमिट करवा दूँगी, फिर कल जो कॉपी स्कोर्स वगैरह आगे के जो चीज़ें हैं वो कम्प्लीट करने की तरफ जाऊँगी, क्योंकि ये लोग फर्स्ट से इंशाल्लाह अपना न्यू स्कूल ज्वाइन कर लेंगे, फर्स्ट से ही स्टार्ट कर देंगे, तो उससे पहले पहले मुझे ये चीज़ें सब करनी है। तो ज़ाहिर है कि फिर मुझे यूनिफॉर्म भी लाने हैं, कोर्सेज भी लेने हैं और बुक्स वगैरह, कॉपीज और बुक्स, तो मैंने वही कोर्सेज ही हो गई है, फिर कॉपीज वगैरह भी लेनी है, तो स्टेशनरी का सामान होगा या जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ें होंगी, तो वो देखते हैं करते हैं। तो चले अभी मैं करती हूँ यूनिफॉर्म फिल और मिलती हूँ आपसे। पापा बैठे पापा बैठे अपने ऑफिस में काम कर रहे थे तो दाइशा लेके गई है, फॉर्म जो मैंने फिल किए ना तो उसमें फादर की सिग्नेचर चाहिए, दाइशा लेके गई है कि पापा सिग्नेचर करते हैं, तो पापा कह रहे कि आपने बिजनेस प्लान आपके सिग्नेचर लेना है, फिलिंग तो ऐसे ही आ रही है ऑफिस में बैठा हूँ मैं, तो फाइनली फॉर्म भी होगा फिल
और डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट है, अलहमदिल्ला सब चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम इन्हें तैयार करेंगे, रखेंगे इन्हें एनवेलप में, उसके बाद जाके कल मैं सबमिट करवा दूँगा। आई एम सो हैप्पी, आपको मेरी डेट ऑफ बर्थ पता है, क्योंकि आप पहली बच्ची थी ना इसलिए ना भी मैं थोड़ी सी मैं कंफ्यूज इसलिए हो जाती हूँ कि 2012 की 2013 थोड़ा मैं भी हो जाती हूँ 2013 दायशा का इसलिए पता है कि शादी के एक साल के बाद ही आई थी, इसलिए मुझे पक्के से याद है। 19 नॉफल का इसलिए पता है क्योंकि नहीं नॉफल का भी मुझे याद नहीं था, 19 थोड़ा सा दिमाग से निकल जाता है, एक आगे पीछे हो जाता है, पर ये कि दायशा इसलिए याद है कि दायशा शादी के एक साल के बाद आ गई थी, तो इसलिए मुझे याद है कि 2009 में शादी हुई थी, 2010 में दायशा हो गई थी, तो इसलिए मुझे कंफर्म पता है। और अनाबिया का जो है वो मुझे थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो जाती है 2013 के 12 है, और थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। बाकी नौकरी तो आया 2019 में जब कोविड चल रहा था, चले जी सबमिट करते हैं चीज़ें जल्दी जल्दी एनवेलप में करूँ, सो मेरी हालत देखें मेरी आँखें कैसी हो रही नींद से, तो मेडिसिन मैंने ली, थोड़ा सा आराम आया मुझे। और अनाबिया तो यहाँ पे सो भी गई है, अब मैं सोने के लिए बैठूँगी, आपसे मिलूँगी सुबह, आपसे मिलूँगी सुबह। दो बार क्यों बोला? अच्छा इतने सारे आप लोग देखते हैं हमारे, वो जो हमारी एडिटर है जायशा वही एडिट करती है, और कल मतलब जो कल वाला ब्लॉग है वो मैंने फर्स्ट टाइम एडिट किया, वैसे एडिटिंग मुझे आती है ऐसी बात नहीं है, बट काफ़ी टाइम हो गया मैं इन चीज़ों में पढ़ती नहीं, क्योंकि मैं अपना बहुत सारे दूसरे काम निपटा लेती हूँ और मेरे पास टाइम नहीं होता, तो मैंने कहा चले इस बार मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि अब जाहिर है जायशा स्कूल चली जाएंगी, थोड़ा सा बिजी हो जाएंगी, तो फिर ये चीज़ें उनको देखने का मौका नहीं लगेगा, तो क्यों अब मैं इन चीज़ों पर हाथ वापस करूँ अपने साथ, ताकि मुझे कोई टेंशन ना हो, अगर कोई प्रॉब्लम ही होती है तो मैं भी जायशा से पूछ लेती हूँ, ताकि अभी से मैं वैसे तो आता है पर कहीं जगह पे होता है कि मैं भूल जाती हूँ, जैसे काफ़ी सालों हो गए मुझे ये चीज़ें की थी, पहले मैं करती थी, अभी तो बहुत अरसा हो गया मुझे ये चीज़ें करते हुए, तो इसी वजह से अब मैं वापस से एडिट करना शुरू कर दी है। तो कल वाला जो ब्लॉग था मैंने एडिट किया था, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको कैसा लगा। मैंने भी किया था हाँ, एंड तो मैं थक गई थी बहुत, फिर मैंने कहा जैसा आप करो, मेरा काम हो गया कम, अब मैंने कहा आप एक ग्लिच मम्मा के साथ हुआ था, जब मेरे साथ होता मम्मा मुझे मेरा तो फर्स्ट टाइम था ना भाई, और मैं तो बता बता के जाती जैसे ही हो रहा जैसे ही हो रहा बेबी जैसा वही कर देती, चलो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर देखा जी माँ चले खैर है कोई बात नहीं, ऐसा ऐसा गलतियों से इंसान सीखता है। तो चले जी अभी से मैं आपको कह रही हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे यार, मतलब 100 ही नहीं कर रहे हो यार, क्या बात है, जो देखने वाले खाली देखने वाले आप लोग देख रहे हैं वीडियो सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आपसे बात कर रहे हैं हाँ जी आपसे ही बात कर रहे हैं, तो चले सब्सक्राइब कर दें, और ब्लॉग देख रहे हैं अगर आपको अच्छे भी लग रहे हैं तो प्लीज उसे शेयर भी कर दें, और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें, आपसे रिक्वेस्ट है छोटी सी।